हो। आज दी मेमन टीवी ने जो है वो एक छोटी सी कोशिश की है बच्चों के जो है वो टैलेंट को आगे लाने की, तो क्या कहोगी इस हवाले से? बहुत अच्छी कोशिश है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो है हमें भी कॉन्फिडेंस मिले और हम भी जो है आगे जाके कोई अच्छा काम कर सके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो अगर कुछ लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी वाले भी अपनी गर्ल्स के लिए काम कर रहे हैं। अजी बेटे नाम बताएं। अभी शाहिद। एज क्या बेटे आपके? 13। 13 गुड। क्या सुना रही हैं आप हमें? ये वतन तुम्हारा है। वेरी गुड सॉन्ग, वेरी गुड सॉन्ग। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन उस्ताद मोहतरम का गाया हुआ मेहदी हसन साहब का, हमारे फख्र पाकिस्तान जैसी शख्सियत हस्ती का गाया हुआ गीत है बेटा। आप बहुत ज़बरदस्त गा रही हो, जाहिर है आपकी एज ऐसी है, इसमें बहुत संजीदगी है इस गीत में। वेरी गुड। थोड़ा सा आप होमवर्क और करोगी तो आप और ज़बरदस्त कर सकोगे। हैदर आप भाई आपको समझाएंगे। जब सब्र इम्तिहान, जाहिर गैब का निशान, सर जमीन पाकिस्तान। वेरी गुड। पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। वतन की माटी एक्सप्रेशन फीलिंग्स जो है ना आपकी, जो मोहब्बत है, जैसे आपकी माँ से हमारी मोहब्बत होती है, अपने वालिदैन से होती है, तो इस तरह वतन से भी खुशबू। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह। मगर वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। अपने अल्फाज की अदायगी पे तवज्जो दें, जैसे आपने कहा मगन्नी, लफ्ज मगन्नी है और लय है, लह नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको गाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और रिलैक्स होकर गाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें। लाइबा, लाइबा क्या इमोशन थे जब आप हमारे जजेस के सामने खड़ी हुई थी और मिली नगमा पेश कर रही थी, क्या इमोशंस थे आप? नर्वस थी थोड़ी सी, अभी भी नर्वस हूँ, और उन जज ने भी मुझसे यही कहा है कि जो है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हैं, थोड़ा वो सेट ऑन हो तो और अच्छा गाएंगी। और स्पेशली जो है वो हमारी कम्युनिटी को समझा जाता है कि वो बहुत बैकवर्ड है ना, उनकी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए म्यूचुअल हो, पैरेलल हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि वो भी जो है वो आज के दौर में, आज के एरा से जो है वो मीट कर सके ना। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मेमन टीवी को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और अली गोर्जर साहब के लिए मैं थैंक्स करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट हमारे लिए रखा। सुहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान
जिंदाबाद। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, हो बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। इस परचम के साथ तले हम एक तले हम एक तले। दी विमेन टीवी ने इतना अच्छा मौका पेश किया बच्चों को, मतलब पार्टिसिपेट करने का, बच्चों को कॉन्फिडेंट बढ़ाने का। थैंक यू सो मच विमेन टीवी। कितने दिनों से तैयारी कर रही हो? 3-4 दिन से। अच्छा, क्या समझती हो सेलेक्ट हो जाओगी? इंशाल्लाह। दी विमेन टीवी ने बहुत हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच विमेन टीवी। थैंक यू। उम्मीद है कि और तरक्की करे विमेन टीवी। थैंक यू। मैंने ये वतन तुम्हारा है आज गाया, और थैंक्स टू मेमन टीवी कि उनने हमें इनवाइट किया। पाकिस्तान जिंदाबाद गया और इसमें मैं बहुत मज़ा आया है, और ये मेमन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेमन टीवी का शुक्रिया कि इन लोगों ने हमारे लिए इनके सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए। मैंने मेरे वतन मिली नगमा गाया है, मेमन टीवी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू दी मेमन टीवी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दी मेमन टीवी थैंक्स। ये कॉर्ड देखो। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन। गलत है बेटा, इस बार में दोबारा पहला कॉर्ड दिखाएगा, पहला कॉर्ड। ए वतन प्यारे वतन, ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, ये ठीक है ना? इस गाने का यही से आप ध्यान। ए वतन प्यारे वतन, वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। फिलहाल तो हमें आप टॉप 3 में नजर आ रही हैं। अब इंशाल्लाह आई विश के आप नंबर 1 आए। मतलब खुशी हुई कि इतने सुरीले बच्चों को जज करने का मौका मुझे और हैदर भाई को मिला और इस बार। थैंक यू बेटा।